वकार, ये सारी तुम सेकंड हैंड बुक्स लेके आ जाते ना वहां उर्दू बाजार से, सारी सेकंड हैंड मिल जाती हैं बुक्स, तुम क्यों नहीं तोबा लेके अल्लाह आए? माफ करे। हाँ तो ये देखो ना, सारी बुक सेकंड हैंड मिल जाती है, फिर क्या जरूरत है फर्स्ट हैंड लाने की? तो वो 100 रुपए वाला जो एक रजिस्टर मिलता है, तुम वीडियो बना रही हो? What are you doing, बुखार? क्या कर रहे हो? बेला हाँ जी, तुम्हारे वेले का यही काम है बच्चों। कल से तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट है, पुत्र रेडी रहो। ये क्या तुमने मग रखा हुआ है पास? लस्सी, जरूर लस्सी पी होगी। हाँ बस ठीक ये है। देखो ये इसका बैग मैंने खाली किया है वकार का, ये बीच में से जेल निकली है, फेस ओ वॉश निकला है, क्रीम भी ओ, रख लेते हैं, लिपस्टिक वाह भी रख जी लेते हैं बाहर से, वाह। और ये इतना देखो, तो कभी मैंने अपने बैग में चीजें नहीं रखी और जितना अरे कुछ इसने और रखा हुआ है। लिखना आता नहीं है, और पेन देखो नवाबजादे के पास पेन देखो कितने ज्यादा इकट्ठे हुए हैं। अच्छा जी, ये इसकी डायरी है, डायरी में देखिए क्या लिखा हुआ है। लव लेटर वे सजना वे, अच्छा, नंबर ही अखियां ने लिखे नंबरों लव में लेटर गॉड, वे। इतने ज्यादा नंबर और ऑटोग्राफ एमपी बस। चले जी, हम आज जो है वो अपनी अलमारी की सफाई करने के लिए जा रहे हैं। इधर वाली साइड पे मेरी बुक्स पड़ी हुई है सारी की सारी, और अब जो मेरे पेपर्स हैं खत्म हो गया, मैं बिल्कुल वेली हो गई हूँ। तो मैंने सोचा अपनी बुक्स को जो ना समेट के एक साइड पे रख लेती हूँ, ताकि इधर से इस जात में मैंने अपने बैग रखे हुए, मेरे हैंड बैग सारे यहाँ पे। तो ये ना काफी, अगर इस तरह से देखे तो काफी गंद लग, चल यहाँ से देखे सामने से तो काफी ये गंद गंद सा लगता है। और तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अपनी ये वाली अलमारी जो है उसको साफ कर लूँ। और इधर ये सिंधिया टाइप और कुछ चीजें रखी हैं, कुछ कपड़े रखे हुए हैं और कुछ शॉपर्स वगैरह एक्स्ट्रा मटेरियल है, तो ये साफ करूंगी, इसका ओवरव्यू भी दूंगी। और जो मैं अपनी बुक्स उठाकर दूसरी कबर में शिफ्ट करूंगी उसका भी ओवरव्यू दूंगी। तो आप लोग आ जाए मेरे साथ, हम लोग सफाई करते हैं। सुन अच्छा, साथिया ये यहाँ पे मेरी बुक्स पड़ी हुई है माहिया। सारी, अच्छा इनको बताओ तो सही, आपने किया क्या और है? मैंने किया हुआ है एमए इन पॉलिटिकल साइंस, और ये सारे मेरे सब्जेक्ट थे। कुछ बुक्स जो हैं वो मैंने दे दी हुई हैं किसी को, क्योंकि वो पाक स्टडी से रिलेटेड हैं और आईआर से रिलेटेड हैं, और उसके अलावा वेस्टर्न से रिलेटेड हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड थी कुछ, तो बस वो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड थी। लेकिन जो मुझे लगी कि मेरे लिए आगे काम आ सकती है, तो वो बुक्स मैंने अपने पास गिनी चुनी रख ली, क्योंकि वो बुक्स अपने पास नहीं रखनी चाहिए जो कि आप खुद यूज़ नहीं करते, वो यूजलेस बुक्स हो जाती हैं। तो वो वाली बुक्स अपने पास रखनी चाहिए जो आप यूज भी करो, और उनको कोई मतलब, उस बंदे को दे दो बुक्स जो पढ़े, ठीक है, उस बंदे को ना दो जो सिर्फ किताबें अलमारी की हद तक सजा कर रख दे। मुझे तो और बिल्कुल भी ना देना। अच्छा जी, अब मैं यहाँ से अपनी सारी की सारी बुक्स जो हैं वो शिफ्ट करूंगी दूसरी अलमारी में। पापा ने बनवा दिया बैठक में एक अलमारी, यूपीएस के लिए बनवाई थी, तो मुझे पापा ने कहा कि अपनी बुक्स यहाँ से उठाकर वहाँ पे साइड पे रख लो, इन निकम्मों की बुक्स के साथ मत रखना, क्योंकि ये खुद तो मैसी मैसी सी फेंक देते हैं बुक्स। तो मैं जो हूँ सफाई पसंद हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, और आप लोगों को एक और चीज दिखाती हूँ, ये मैं मैट्रिक में थी, कुछ था नहीं मेरे पास करने के लिए, तो ये सबसे मैंने पहले अपने लिए एक कॉपी बनाई थी, और अल्लाह की कसम अभी तक कुछ भी नहीं लिखा। सबसे बड़ी नालायक तो फिर आप हुई। ये सिर्फ मुझे शौक था कि कुछ क्रिएटिविटी करूं, तो मैंने ये अपने लिए एक कॉपी बनाई थी, तो इसमें इंशाल्लाह मैं रेसिपीज जरूर लिखूंगी अपने लिए, मुझे बहुत शौक है रेसिपीज और डिफरेंट ट्राई आपको करने बैग का। नजर आ रहे हैं सारे? नहीं, ये नहीं दिखाने बिल्कुल भी। अच्छा, और उसके बाद ये अपनी ये वाली बुक्स भी मैं सारी यहाँ से उठाती हूँ, दिखा दिया मैंने। नहीं दिखाने किसी को भी नहीं दिखाने, ठीक है ना? ओके, और इनमें मेरी बुक्स आप भी लोग हैं बताएं, काफी आप लोगों के ज्यादा। पास बुक्स की कलेक्शन कितनी है, और कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन अभी पढ़ रहा है, अभी तक स्टूडेंट कौन कौन से हैं, और कौन कौन क्या क्या कर रहा है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद मैं एक स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बट ये मेरी एक फ्रेंड है मिस वजीहा बुखारी उनका नाम है, ये उनकी बुक है, वो राइटर बुखार हैं, डोंट और उन्होंने मेरे ख्याल में अब तीसरी बुक भी लिखना स्टार्ट कर दी, आई थिंक सो। उनका एक पेज भी है फेसबुक का, और उन्होंने अपनी बेटी के नाम से स्टार्ट किया बिजनेस। अच्छा, वट एवर, उसके अलावा मैं बता चलूँ, ये है बुक लम्हों की खता सदियों की सजा, तो बहुत ही अच्छी बुक है, स्टार्ट में मैंने पढ़ी है, स्टार्ट से थोड़ी सी आगे तक पढ़ी हुई है, एंड से मैंने नहीं, उसको भी एंड तक नहीं पढ़ा, बट इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगी क्योंकि टाइम ही नहीं होता। तो ये वाली बुक जो है बहुत ही अच्छी उन्होंने लिखी हुई है, अप्रिशिएटेबल है, और अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? अच्छा, तो जैसे कि आप देख रहे हैं सब, आपने यहाँ पर सारी जो हैं बुक्स वगैरह अपनी रख दी हैं, और इनमें जो हैं मेरी बुक्स भी हैं। नहीं ये सिर्फ मेरी बुक्स हैं, जस्ट ओनली माइन, अच्छा, यस। ये वाली सारी मेरी बुक्स हैं, ये वाली बुक जो है बहुत फेमस है, मुझे बताइएगा ये बुक किस किसके और पास है, मैंने इसे पढ़ा है, ये मुझे मेरे बहुत पास मज़ा आया है है। बट मैंने इसको एक दफा भी नहीं पढ़ा, सो
नहीं पढ़ा मैंने बस। पढ़ा है इसे, और मैंने इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी ली है, क्योंकि मेरे टेंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, किसी के भी नहीं होते एक्चुअली, किसी के भी टेंस और अच्छे ये नहीं होते। टेंसेस के लिए अच्छा, बहुत और ही ये बेस्ट यहाँ है। पे जरा फोकस करना, ये नीचे ये देखें, रिंग लाइट में लेकर रहती है, तब तब से बॉक्स पड़ा यूजलेस, इसमें क्यों पड़ा क्या करा मुझे कुछ ये पता। वाली जो मेरी बुक्स हैं ये नहीं निकालनी, इस इनको नहीं वहां पर ये रखना। बाद में पहले मैं अपनी लेकर जाऊंगी, क्योंकि ये ज्यादा गंद फिर मिक्स हो जाएंगी सारी, पहले मेरी बुक्स को ठीक करते हैं। ठीक है, वो तो पहले मेरी मेरी कर पहले लेती, मेरी फर्स्ट, पहले बड़ी होती है फिर उसके बाद छोटी की होती है, फिर सबसे बाद में एंड पे वकार आता छोटों है। का दिल, छोटों एंड पे का वकार दिल आता रख है देते हैं, बिकॉज लेडीज फर्स्ट, एंड पे वकार है। वकार मुझसे छोटा ही है। उससे होश ही नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं। चलो छोड़ो उसे, चलाओ चले हम, बुक्स उठाओ मेरे तुम साथ। देख क्या रहे हो, ये क्या देख रहे हो, पंजाबी फिल्म बस लगे रहो। पुत्र आकर चल मेरे मेरा साथ। पुत्र, चल चल मेरा पुत्र। अब मैं बुक्स उठाऊंगी और मुझसे ऐसे तो उठाए जाएंगे नहीं, सो हम लोग बाद में मिलते हैं। अच्छा जी, तो ये सारी बुक्स मैं ले आई हूँ अपनी, अभी ये और कुछ कुछ भी नहीं कुछ है, बुक्स जो है ना वो मैंने निकाल दी हैं, कुछ बुक्स जो है वो मैंने साथ साथ ही दे दी थी, बस ये गिनी चुनी मैंने अपने पास बुक्स रखी हैं। और ये सिलेबस बुक्स हैं, ठीक है, उसके अलावा किसी ने CSS की तैयारी करनी हो या PMS की तैयारी करनी हो तो उसके लिए बुक्स जो है या वो शादी बेस्ट की हैं। तैयारी करनी नहीं नहीं हो। नहीं नहीं उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है, जब शादी की तैयारी करनी हो तो इन बुक्स को साइड पे रख देना है, दूर दूर तक इनको कोई पता नहीं होना चाहिए। और अनक्रीव हम लोग आपको खुशखबरी सुनाएंगे, इस बीरास वर्ल्ड बिल्कुल में भी नहीं, बिल्कुल भी एक नहीं, चुप लड़की चुप। है। उसके बाद आप लोग देख लेंगे, ओवरव्यू देना जरा एक इसको, इसको नहीं सॉरी मेरे व्यूवर्स को। ये अलमारी बनवाई पापा ने, ठीक है, क्लोज लेकर आओ थोड़ा सा। और ये जो है ना पापा ने UPS के लिए बनवाई थी अलमारी, ये बाहर बैठक का दरवाजा है तो UPS यहाँ पे फिट आ गया, बैटरी इसके नीचे फिट आ गया, थोड़ी सी ये जगह मुझे मिल गई है बुक्स रखने के लिए और थोड़ी सी ये जगह मेरे लिए बना दी गई है, तो अब यहाँ पे मैं इसको पूरा फाड़ और फाड़ूंगी। ये नजर आ रहा है जैसे आपको इसमें इस बापी की क्या आई थी, ईदी, यस, इसको उठा के बाहर तो फेंको। इसको हम बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इसमें हम लोग अपनी जो है वो बुक्स में रखेंगे, और बुक्स रखने के बाद हम दोबारा वापस आ जाएंगे। जी तो वेलकम बैक, जैसे कि आप जानते हैं हमने बुक्स लगा ली हैं सबापी सेट कर की। लिए मैंने बुक्स, यही गिनी चुनी मेरे पास बुक्स अब रही यार हैं यहाँ आपके पर तो पास। तुम्हारी सारी पूरी आ गई, मेरी कहाँ रखनी है, यहाँ पे तुम लोगों की मैं नहीं रखूंगी, कहाँ मैं अपनी अलग रखूँ। से रखूंगी, ये पेन भी मैं यहाँ पे रखी हूँ, क्योंकि जब जरूरत होती है तब तुम लोगों को पेन तो मिलता नहीं है। चलिए जी, अब आप और लोग बुक्स जैसा कि सेट करने वो चले देख जाओ, रहे हैं आप, उसने फेंका नहीं है, उसे ऊपर चढ़ा के रख दिया है, और काम आपकी आ जाएगा ना किसी भी चीज में, किसी को गिफ्ट देना हो तो मुझे वरना मेहंदी में काम आएगा है ना। नहीं। ये कुछ बुक्स आपी की भी यहाँ पे पढ़ी हुई थी, उन्होंने BS केमिस्ट्री जब किया था तो उसकी ये बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो ये मैंने अलग से रख दी हैं इधर कि अगर उनको ज़रूरत हुई तो वो ले लेंगी, नहीं तो ये जी उर्दू बाज़ार दे आएंगे ताकि किसी के यूज़ में आ जाए। ये वाली सारी बुक्स यहाँ पे पढ़ी हुई है। और अब एक चीज़ दिखाती हूँ, ये मेरी फिज़िक्स की बुक है, और मतलब तब की ये पड़ी हुई है, सिलेबस चेंज हो गया इसलिए यहीं पे पड़ जाएगी, यानी तो मैंने अपने भाई और बहन के लिए रखी हुई थी कि वो यूज़ कर लेंगे। अच्छा जी, तो ये मैंने अलमारी जो है वो पूरी की पूरी साफ़ कर लिया, यहाँ पे कुरान पाक रखे हैं, साथ में मैंने मक्का शरीफ का वो था डेकोरेशन पीस और ये मैंने रख दी है यहाँ पे, और वो नीचे एक हीटर है और टोकरी है डेकोरेशन वाली, और ये मैंने अपने हैंड बैग ऊपर रख दिए सारे के सारे उठा के, और ये थोड़ी सी बुक्स जो है वो मैंने नीचे रख दी, और ये पूरी की पूरी अलमारी मैंने साफ़ कर दी। और जी इनके अंदर से जो रफ़ मटेरियल निकली है सारा, ये गंद बला निकला है, और पेपर्स हो रहे थे मेरे जिसकी वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था चीज़ें साफ़ करने का, तो ये कपड़े वेस्ट हो चुके हैं सारे, और कुछ ये रफ़ मटेरियल है, अब इनको सारा मैं किसी को दे दूँगी, कपड़े जो हैं वो पैंट वगैरह हैं भाई की कुछ, और ये इतने भी पुराने नहीं हैं, बस अब वो यूज़ नहीं करना चाहता, सो इसलिए। तो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो जो है ख़त्म होती है, और कुछ ये बुक्स मैंने रख दी हुई हैं जो वगार के यूज़ की हैं, और बाकी बस मैंने अलमारी जो है वो साफ़ कर दिया। होप सो आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।